हेलो एंड वेलकम गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस और उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, पूरा हल्ला मोहल्ला, छोटे छोटे बच्चे लोग भी जान गए होंगे कि रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म आने वाली है। तो गाइज, इसी विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, एग्ज़ाम्स के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी। सिलेबस आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके एग्ज़ाम्स पैटर्न क्या है और सिलेक्शन पैटर्न क्या है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ लिखा है, ITI ज़रूरी है क्या 2017 के लिए? तो जी हाँ दोस्तों, इस साल की जो वैकेंसीज ग्रुप डी की आने वाली है उसमें जो है ITI ज़रूरी कर दिया गया है। बट एक मिनट, कुछ पोस्ट के लिए किया गया है जो कि ग्रुप डी में जो टेक्निकल पोस्ट है उस पोस्ट में आपको ITI ज़रूरी कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो सभी लोग करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो में जानते हैं सिलेबस और उसके सिलेक्शन प्रोसेस को। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट जनरल कॉम्पिटिशन वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ओके, यहाँ पे फर्स्ट में रिटेन एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आप जब लिखित परीक्षा में पास कर जाएंगे तो आप फिज़िकल टेस्ट के लिए एप्लीकेबल होगे, मतलब कि फिज़िकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसमें भी आपका शायद 1.6 KMS जो है आपका रनिंग होता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ होते हैं, मुझे जानकारी जैसे मिलेगी आपको, मैं आपको फिज़िकल टेस्ट में आपको बता दूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डॉक्यूमेंट आपका 100% सब करेक्ट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आके वो छट जाते हैं। उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कराया जाता है। तो ये कुछ सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से ही होता है इसमें, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले सिलेबस का जानने के लिए पहले सबसे हमको सब्जेक्ट जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता, जैसा कि SSC में इंग्लिश होता है, तो रेलवे की परीक्षा में जो है आपका इंग्लिश नहीं होता, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस होती है, अर्थमेटिक एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक होती है यहाँ पे, जनरल इंटेलिजेंस होती है यानी कि रीजनिंग, और जनरल साइंस से क्वेश्चंस रहते हैं, नॉर्मल 10th लेवल के क्वेश्चंस, 12th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, जनरल लेवल पे आपका 20 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ में 25, रीजनिंग में 25, और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका 30 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपके आते हैं क्वेश्चंस 100। ओके, आपको टाइम लिमिट दिया जाता है इसके लिए 90 मिनट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा हूँ एग्ज़ाम मोड, क्योंकि पिछले कई सालों से जो भी एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं रेलवे में ग्रुप डी के लिए, तो वो ऑफलाइन ही हुए थे, ठीक है। तो इस साल में भी ये ऑनलाइन हो सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम मोड में यहाँ पे आपका ऑनलाइन हो सकता है। तो जिन लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो वो कंप्यूटर का नॉलेज ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल सके। और यहाँ पे नोट मैंने आधार कार्ड लिखा है कि आधार कार्ड भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर के बिना आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। रेलवे जो बहुत पहले ही निकाला था कि आधार कार्ड के बिना आप रेलवे का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ था और सभी लोग को पता भी होगा। तो जिन लोगों को पता नहीं है, मैं फिर से बता दिया यहाँ पे कि आधार कार्ड ज़रूरी है। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, ठीक है, 10th क्लास का भी सर्टिफिकेट है, बट आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी है आपको आधार कार्ड, अभी खैर अभी फॉर्म अभी आया नहीं है, तो जिन लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है तो वो अप्लाई करके आधार कार्ड जल्द से जल्द बना लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने में रेलवे हो चाहे SSC हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो इसमें आपका करेंट अफेयर्स हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, हिस्ट्री इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड, जनरल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे जो है आपके जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप लूसेंट का यूज कीजिए, लूसेंट बुक जो है आपका GK के लिए वो काफ़ी बेस्ट बुक है, ठीक है।
तो आप लूसेंट की जीके देखें, और इसके रेलवे के रिलेटेड एक आती है स्पीडी करके बुक, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है रेलवे एग्जाम्स के लिए। अब आते हैं अर्थमेटिक में, परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन है, पाइप एंड टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस, एवरेज टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, बोट इन स्ट्रीम, प्रॉब्लम एंड एज या डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे मैथ के टॉपिक्स है, इस सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत बड़ा क्वेश्चंस जो है सब बेसिक फार्मूले पे ही आती है, फार्मूला बेस्ड जो है आपका इसमें क्वेश्चंस आता है, तो आप लोग फार्मूले को अच्छे तरीके से पढ़ें और क्वेश्चन वगैरह जो है आप फार्मूला बेस्ड पे कोशिश करें बनाने के लिए, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी हेल्प करेगी आपको एग्जाम्स में। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग, रीजनिंग एनालॉजी है, डिसीजन मेकिंग है, स्पेस विजुलाइजेशन है, सिमिलरिटीज़ है, बहुत सारे यहाँ पे रीजनिंग के जो है आपके टॉपिक्स है, इस सारे टॉपिक से रिलेटेड रीजनिंग में क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आप रीजनिंग के भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग भी काफ़ी अहम भूमिका निभाती है रेलवे के एग्ज़ाम्स में, ओके। नेक्स्ट आती है जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया एंड बायोलॉजी हो गया, तो इन सारे से सबसे बेसिक ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंथ ले या ट्वेल्थ एग्जाम में तो इसमें बेसिक्स ही क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है ग्रुप डी के लिए आपको इम्पॉर्टेंट लगा हो। इफ़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए ऑनलाइन मतलब लाइव आने के लिए एप्लीकेबल के लिए। सो प्लीज़ गाइस, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।